नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले का ऐलान किया, लेकिन किसानों की घर वापसी अब तक नहीं हुई है। राकेश टिकैत खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें मोदी की बातों पर भरोसा नहीं। अब किसान संगठनों ने कृषि कानून से आगे बढ़कर एमएसपी पर लिखित आश्वासन की मांग की है। सवाल है कि प्रधानमंत्री की बातों पर किसान संगठन भरोसा आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या किसान संगठन सरकार को और झुकाना चाहते हैं? हल्ला बोल में बहस इन्हीं मुद्दों पर होगी। हम आपको लिए चलेंगे सीधे राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। आखिर प्रधानमंत्री ने जो भरोसा दिलाया है कि इसी महीने में संसद के सत्र में संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी, तीनों कृषि कानूनों की वापसी होगी, जश्न अलग अलग जगहों पर मनाए गए जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या कहना है इस पर राकेश टिकैत का, उनसे बातचीत के जरिए समझेंगे कि आखिर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश के सामने संबोधन में ये वादा किया है तो फिर उन्हें भरोसा क्यों नहीं है। कानून वापसी तो हो गई, आखिर घर वापसी किसानों की कब होगी? ये सवाल लोगों के मन में कल से ही है। आइए आपको सीधे लिए चलते, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत जी लाइव आज तक पर जुड़ गए। राकेश जी स्वागत है आपका। कानून वापसी तो हो गई, अब आप लोगों की घर वापसी कब होगी सर? हाँ जी, घर वापसी भी होगी, सरकार से बातचीत कर लेंगे और बातचीत करने के बाद में घर वापसी करेंगे। तो कैसे बातचीत करेंगे, मतलब आप चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से पहल हो, आप लोगों को बुलाया जाए? ये तो लग रहा है कि घड़ी की सुई वहीं जाके अटक गई है। नहीं नहीं भाई, कोई बात समाधान की तरफ जा रही है अब तो टेबल पे भी तो फाइनल टच तो उसको टेबल पे दिया जाएगा ना। और भी बहुत मसले हैं, किसान आंदोलनरत हैं, वहां पे किसानों की शहादत हुई है, किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज है, एमएसपी गारंटी कानून बने ये भी एक मामला है, सीड बिल का मामला है, दूध की पॉलिसी क्या आएगी, तो ये बहुत से जो सवाल हैं। और ये चीजें उस टाइम पे भी तय हुई थी जब 11 दौर की बातचीत हुई कि एमएसपी और तीन कानून पे बात अलग होगी और उसके बाद में एक कमेटी बन जाएगी जो सारे मामलों पे कमेटी तय करती रहेगी, फिर लोगों को आंदोलन ना करना पड़े। ये उस टाइम पे भारत सरकार और किसानों के बीच में एक तय हुई थी चीजें। तो न्योता आया क्या अभी सरकार की तरफ से? कोई अभी कोई नहीं आया। अच्छा ये बताइए कि चूंकि आज आप जुड़ रहे हैं और देश भर में लोग सुनना चाहेंगे कि आपकी क्या सोच है, क्योंकि इस पूरे आंदोलन को काफी आगे बढ़ चढ़कर आपने इसका एक तरह से नेतृत्व किया, आप चेहरे बन गए इसके। तीनों कृषि कानूनों की जो वापसी हुई, जब प्रधानमंत्री ने अचानक सुबह 9 बजे ऐलान कर दिया राष्ट्र के नाम संबोधन में, तो आप चौंक गए या आप उस बात से खुश हुए? पीएम की बात पर भरोसा है आपको? तीनों का जवाब दीजिएगा। क्या चौंक गए, क्या आपको उम्मीद थी कि पीएम ऐसा बोलेंगे? तीन की उम्मीद नहीं थी, दो पे था कि दो को वापसी लेंगे ये और एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे, ये था। इन्होंने तीनों वापसी ली और एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं लेकर आए, ये एक बड़ा सवाल है। तो मोदी जी ने आपको भी चौंका दिया? राकेश जी, तो तीनों कानूनों को वापस लेके मोदी जी ने भी आपको चौंका दिया? मतलब आ तीनों एकदम से तीन कानून वापसी किया और किसी को अता पता नहीं था तो चौंकाते तो ही। पहले नोटबंदी में भी चौंकाया, इन पे भी चौंकाया, लेकिन हमने ये कहा है कि जो करा ठीक है, लेकिन आगे जो मसले हैं उस पे भी बातचीत का एक रास्ता खोल ले, उस पे भी आगे बातचीत होनी चाहिए।
आप ये कह रहे हैं कि संसद सत्र में जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, आपको प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा क्यों नहीं है? ठीक है साहब, नहीं हमने ये कहा है कि इसके साथ साथ बहुत मसले हैं, अब इसको टेबल पे आके फाइनल टच देना चाहिए, वो भी तो सरकार ही देगी ना। एमएसपी का एक बड़ा इशू है, एमएसपी से कम रेट में किसान अपनी फसल बेचता है, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। जो 750 किसान शहीद हुए उस पर भी हम बातचीत करना चाहेंगे। आज तक अगर सीधा स्मारक बनाने की बात करी कि किसान यहाँ पर शहीद हुए तो उनका स्मारक जी, अगर स्मारक यहाँ पे बने, सीधा अभी प्रधानमंत्री से आपको कुछ कहना है, आज तक के जरिए संवाद करना हो तो तीनों कृषि कानून की वापसी पर, आगे की बातचीत पर, आप सीधा पीएम को क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि उन्होंने तीन कानून वापसी लिए तो उनका धन्यवाद है तीन कानून पे, लेकिन आगे एमएसपी पे भी वो गारंटी कानून बना दे, जो और मसले हैं उन पे कमेटी बने, वो जो हमने पहले उनके मंत्रियों को बताया था उस पे पहल करें, और वो एक बातचीत तय हुई थी हमारी बैठक है कि एक कमेटी बनेगी, वो पूरी कमेटी ही सारे मसलों को देखेगी, या तो वे हमारी बात नहीं समझे, वे कुछ लोग आते थे वहां पे, या तो हम उनको अपनी बात समझाने में नाकाम रहे, या वे कुछ लोग प्रधानमंत्री को अपनी बात समझाने में नाकाम रहे जब इतना लंबा टाइम लगा। अगर यही बात वे 10 महीने पहले समझा देते तो बहुत किसानों की शहादत नहीं होती। जब 11 दौर की बातचीत हुई, जब हमने उनको कुछ लोगों को समझाने की बातचीत करी तो वे हमारी भाषा नहीं समझे। हमने कहा कि तीन काले कानून रिफिल कर दो और आगे बातचीत करते रहेंगे, तो कुछ लोग कुछ शायद हो सकता है कि हम समझाने में नाकामयाब उनको रहे हो, और वे तो भाषा है वो बात वे 1 साल बाद में समझे हो। आप तो प्रधानमंत्री की तरह ही बोल रहे हैं आज राकेश टिकैत जी, प्रधानमंत्री ने क्षमा याचना के साथ ही शुरुआत की और कहा कि जब हमने अच्छी नीयत से कानून बनाया था लेकिन अपने किसानों को समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी जब कुछ किसानों को बता सकते हैं तो हमने भी कुछ मंत्रियों को बता दिया, इसमें ऐतराज क्या है? अच्छा, अब लग रहा है कि पीएम से डायरेक्ट बात किए बिना मामला बनेगा नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मंत्री को कहते हैं मंत्री नहीं समझते या मंत्री पीएम को नहीं समझाते, मतलब मामला है कि पीएम से ही डायरेक्ट बात होनी चाहिए। नहीं नहीं, पीएम से हमने डायरेक्ट बात करने की बात करी नहीं हमने कभी, ना पीएम से बात करने का कोई शौक हमको है और ना प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये लगता है कि यहाँ पे सर्वे सर्वा प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने कंसर्ट अधिकारी मंत्रियों को जिसको भी भेजे फुल फ्लैश पावर देकर भेजे तो मामलों का समाधान ज्यादा जल्दी हो सकता था। और आज भी है कि जो भी उनके कंसल्ट अधिकारी मिनिस्टर आए उनको फुल फ्लैश पावर देकर भेजे तो आज भी जल्दी इसका समाधान निकल सकता है। नहीं, एक बात बताइए, आप तो पालघर हो, आप पालघर में थे सर कल, इससे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में आप घूमते रहे, अब लोगों के बीच में आप कह रहे थे कि ये सरकार और जो सरकार ये काले कानून लेकर आई है जिसे आप कृषि कानूनों को काला कानून कहते थे, उस सरकार बीजेपी को वोट नहीं करना है, अब तो वो हथियार चला गया, वो तो निहत्थे हो गए आप इस मामले में। हम कैसे निहत्थे हो गए? हम तो कह रहे हैं कि सरकार काम करे ना, सरकार किसानों का चेहरा बने भाई, सरकार किसानों के चेहरे बने, जिसको वोट जहां देनी होगी दे लगा, वो वोट का तो सवाल ही नहीं। तो हम तो पूरे देश भर में जाएंगे ना, जहां पे मीटिंग होगी, जहां पे समस्या होगी तो हम जाएंगे पूरे देश भर में, वहां क्या बोलिएगा सर? अलग अलग स्टेट में अलग अलग इशू होते हैं,
यूपी में कई सेठ सरकार के खिलाफ होते हैं, कई भारत सरकार की पॉलिसी के खिलाफ होते हैं। चलिए यूपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है 22 तारीख उत्तर प्रदेश को, हाँ 22 को क्या करिएगा? यूपी 22 तारीख में मीटिंग है, तो 22 तारीख में है कि एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी बचाओ, एमएसपी को लागू करो, ये एक बड़ा इशू रहेगा। अजय टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी बर्खास्तगी एक बड़ा इशू रहेगा, उनकी गिरफ्तारी एक बड़ा इशू रहेगा। वहां पे फसलों पे एमएसपी पे खरीद नहीं होते, वो एक बड़ा इशू रहेगा। तो ये सारे इशू वहां पे 22 तारीख में रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा कि शायद हम मंत्री जी को नहीं समझा पाए या फिर मंत्री जी पीएम को नहीं समझा पाए, प्रधानमंत्री समझे ना, एक तरह से उन्होंने देश के अन्नदाताओं के सामने, आप लोग जो आंदोलन कर रहे थे उनके सामने नमन किया। कोई भी दूसरा कानून, कितना विरोध हुआ सीए का, विरोध आर्टिकल 370 की वापसी जब हुई, लेकिन इन कानूनों पर सरकार ने अपना स्टैंड नहीं बदला, लेकिन किसानों के सामने सरकार झुकी। अब थोड़ा सा तो आपको भी समझना और झुकना पड़ेगा, कैसे मामले को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप, क्योंकि अब फिर ठंड आ रही है सर, पूरे देश को चिंता हो रही है, आप लोग फिर वही ठंड में बैठिएगा। ये हाँ बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि ना किसी को झुकाने का सवाल था, ये ना किसी के झुकने का सवाल है, हम किसी को झुकाने या झुकने नहीं आए यहाँ पे, हमारे कुछ मसले हैं, सरकार उन पर बातचीत करके इसका समाधान निकाल ले। कल फिर किसान दिल्ली में आंदोलन करने ना आए, उसकी एक कमेटी बन जाए और जो भी सरकारों से बातचीत होगी उस कमेटी के माध्यम से उनका समाधान निकले। ये जब 11 दौर की बातचीत हुई तो उस टाइम पे ये चीजें तय हुई थी, जो उस टाइम पे तय हुई उन चीजों को लागू कर ले सरकार। अच्छा ठीक है, किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे हैं, हाँ। वो एक बातचीत से खत्म हो। ठीक है साहब, आप अब वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री की इसी महीने जो संसद सत्र होगा उसी में संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है, मानिए ये तीनों कानून वापस हो जाते हैं, एमएसपी पर जो आप नया कानून चाह रहे हैं वो इस संसद सत्र में नहीं बन पाता है, तो आंदोलन आप लोगों का जारी रहेगा या तीन कानून की वापसी पर आप लोग आंदोलन खत्म करेंगे और फिर एमएसपी की मांग करेंगे, बॉर्डर खाली करेंगे या नहीं? एमएसपी की मांग हमारी अभी है, जो हमारे मुकदमे हैं उसकी हमारी डिमांड अभी है, जो 750 किसान शहीद हुए उनकी डिमांड अभी है, तो सरकार ये बातचीत शुरू करे, बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। बातचीत कर ले, बातचीत में क्या दिक्कत है उनको बात करने में? नरेंद्र तोमर जी से बात कीजिएगा, स्वतंत्र देश है, कोई भी हो वो, ए टू जेड कोई भी हो, जिस पे भी सरकार का विश्वास हो उसको भेज दे बातचीत करने। लेकिन अभी तीनों कानूनों की वापसी होती है, एमएसपी कानून नहीं बनता है, तो अभी बॉर्डर खाली नहीं करेंगे, अभी आंदोलन वहीं बैठे रहेंगे, अभी बगैर बातचीत के यहां से नहीं जाएंगे, सरकार बात करें, बहुत मसले हैं जो सरकार को बातचीत से उसका समाधान निकल जाएगा, सरकार का कोई खर्च भी उसमें नहीं है, सरकार क्यों बात नहीं करना चाहती? आपको क्या लगता है कि सरकार बातचीत नहीं कर रही है लेकिन कानून की वापसी कर ली है, इसको कैसे देखते हैं आप? कानून की वापसी कर ली लेकिन और जो मसले हैं उस पर तो बात करें ना, खाली कानून नहीं है, और ये कानून लेकर आगे दूसरे उस पर भी हम बातचीत करना चाहते हैं, वो एक बातचीत का हिस्सा रहेगा। आंदोलन तो समाप्त होगा लेकिन जो और मसले हैं बहुत, वो बातचीत का एक हिस्सा रहेगा और वो बातचीत से ही खत्म होंगे। वे हमको आशंका है कि बहुत से जो कानून है वो लेकर आना चाहती है सरकार, तो हम उस पर बातचीत कर लेते हैं एडवांस में, सरकार अपना स्पष्टीकरण उसमें दे। अच्छा अब संयुक्त किसान मोर्चा जो सभी नेता हैं, उन लोगों से आपकी बातचीत हुई है कानून वापसी के बाद, आप लोगों का अब क्या आखिर क्या राय बन रही है, सबका क्या कहना है? आज हमारी 9 मेंबरी अब 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग आज थी, तो उसमें ये बातचीत आई है उसमें, और कल भी एक मीटिंग संयुक्त मोर्चे की होगी,
तो उसमें सारे सवाल हैं और हमारी सब बातचीत होती रहती है। जो लोग वहां पर नहीं जाते मीटिंग में वो फोन पर संपर्क में रहते हैं और कोई भी बयान वहां से जारी होता है तो सबको बता दिया जाता है। आज कुछ निकला कि नहीं सर आज की बैठक से? आज की बैठक से हम माने यही निकला कि बातचीत के बिना यहां से नहीं हटेंगे, सरकार बातचीत करे। बातचीत हो यह आज की बैठक का इशू भी रहा है। 750 किसान शहीद हुए हैं, उनका भी एक बड़ा सवाल रहा है। उनके एक स्मारक बनाने की बात हुई है कि दिल्ली में उनका स्मारक बने और भारत सरकार उसकी रेजा कह दे, वो भी एक इशू आज की मीटिंग का हिस्सा एक रहा है, उसमें भी बातचीत हुई। और कल फिर बैठक होने वाली है? कल फिर बैठक होगी संयुक्त मोर्चे की, वो सिंघू बॉर्डर पे ही बैठक होगी। तोमर जी से फोन पर बातचीत हुई है कि नहीं कभी आपकी? क्या कृषि मंत्री या किसी ने भी बातचीत करने की कोशिश की है? फोन नंबर वगैरह है कि नहीं आपके पास? नहीं, अभी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। एक लोगों के मन में एक सेंटिमेंट ये आया है, राकेश बताए ना कि कहाँ आना है जी। राकेश जी, लोगों के मन में एक सेंटिमेंट था किसानों के लिए, बहुत ज्यादा लोग मान रहे थे कि ठंड में बारिश में इतनी परेशानियों के बीच वहां पर किसान बैठे रहे, लेकिन अब जबकि कानून वापसी हो गई है तो लोगों को भी ये लग रहा है कि अब बॉर्डर का एरिया खाली हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि लोगों की भी वजह से जो देश में एक राय बन रही है, ये अब शायद आंदोलन को कॉल ऑफ कर देना बेटर होगा बातचीत आगे ले जाने के लिए? हाँ, तो हम कहां मने कर रहे हैं, ये तो बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। ये आंदोलन इतना लंबा चला क्यों? ये सरकारों की पॉलिसी थी कि आंदोलन को लंबा चलने दो और पब्लिक को किसानों के खिलाफ कर दो। ये सरकारों की सोची समझी चाल थी। वो तो जनता ने जब पूर्ण रूप से साथ दिया तो जब सरकारें बैकफुट पाई कि जनता इनके साथ में है, ये जनता का इशू है। आपको लगता है कि एक कमिटी बना दें और आप लोग अपने घरों पे भी चले जाएं, एक कमिटी हो जो कि लगातार सरकार से बातचीत करते रहे, ऐसा एक मॉडल निकले जिसकी वजह से किसानों को अभी का गाजीपुर बॉर्डर में है ना सर आप? हाँ, गाजीपुर बॉर्डर पे किसान जितने लोग बैठे हैं सब घरों को चले जाएं, एक कमिटी आप लोगों की भी है, संयुक्त किसान मोर्चा है, कमिटी है, वो लगातार सरकार से बातचीत करते रहे, क्या ऐसा कोई मॉडल सही नहीं रहेगा? तो हम तो कह रहे हैं ना कि सरकार बातचीत तो करे। हम बार बार यही तो कह रहे हैं, बातचीत करे, कमेटी जो भी निर्णय फिर लेगी वो कमेटी तय करती रहेगी, सरकार को तुरंत बातचीत करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अंत में क्या कहा था, आपने सुना था टिकैत साहब? ना सुना। उन्होंने कहा कि इसको एक नई शुरुआत करते हैं और आप लोग अपने घरों को जाइए। ऐसे नहीं करते कि सरकारी टीवी पे बोल दिया और देश ने सब चीजें मान ली। मतलब वो क्या दिखाना चाहते हैं किसान को? अरे आप बातचीत करके टेबल पे आओ, बैठो और वहां से बताओ कि ये चीजें होगी, ये चीज आगे हो जाएगी, इसको हम करेंगे। मतलब किसी से भी आप बात करोगे तो बराबर के टेबल पे बैठकर तो बातचीत करोगे? अरे अच्छा है ना, टीवी पर आकर पूरे देश के सामने बोला, बाद में पूरा कानून लागू हो जाएगा। टिकैत साहब, टीवी पर आकर बोलना तो बेटर है ना, टेबल पर आप लोगों से बोलेंगे फिर आप कहेंगे कि उसका कोई प्रूफ तो बचता नहीं है, टेबल पर क्या बोले फिर बाद में क्या करे नहीं करे, टेबल से अच्छा तो ये ना कि टीवी पर पूरे देश ने सुना है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कोई जा सकता, ऐसे नहीं कोई जा सकता। और भी तो मसले है ना, वो तो भाई एक तरफा होगी कि मैंने जो कह दिया वो फाइनल, दूसरे की सुननी है ही नहीं। भाई आपने टीवी पे आपने स्पीच दे दी, उसका संबोधन कर दिया, दूसरे का क्या क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लोगे नहीं, तो एक तरफा हो गए ना। तो
हमारे भी कुछ सवाल होंगे, हम भी तो अपना क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो हमारी आप सुनोगे नहीं, आपने उत्तर भी आपका और जवाब भी आपका ही, तो ऐसे थोड़ा काम चलता है। जो हमारे मसले हैं उस पर कौन बात करेगा? आप बातचीत करो, कमेटी बना के बातचीत करो, तो मामले तो बातचीत से सोल होंगे। अच्छा ये बताइए कि अब इस आंदोलन की क्या भूमिका रहेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि विपक्ष तो लगातार यही कह रहा है कि चुनावी दाव, ये चुनावी मजबूरी की वजह से ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने किया। अभी अब इलेक्शंस में क्या भूमिका रहेगी? ये क्यों कहने दे रहे हैं? हमने ये कहा कि इलेक्शन तो अभी 3-4 महीने बाद में, अभी तो सरकार ने बातचीत का माहौल बनाया है, ये समाधान की तरफ आंदोलन जा रहा है, तो अभी इसको समाधान होने दो सबका। जब चुनाव होगा तो चुनाव की बात बाद में कर लेंगे। अभी तो सब क्या चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रहेगी नहीं रहेगी? ठीक है साहब, प्रचार तो सभी कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं पूरा चुनावी मोड में तो है। अब तो हमारा, हम क्या चुनाव प्रचार कर रहे हैं? कोई जिनको चुनाव लड़ना है वे चुनाव प्रचार करें, हमको तो चुनाव लड़ना नहीं। सवाल सीधा आपसे करती हूँ, लड़ना है वो चुनाव प्रचार करें। यूपी में जाके बीजेपी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलिएगा या नहीं बोलिएगा? दोबारा बताओ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रही हूँ उत्तर प्रदेश में जाकर बीजेपी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलिएगा या नहीं बोलिएगा ये 3-4 महीनों में? अच्छा, उनके खिलाफ नहीं बोल लेंगे, किसके खिलाफ बोल लेंगे? जब सरकार तो उनकी है तो वहां पे कांग्रेस के खिलाफ बोल ले जाके, भाई बसलत तो योगी जी से है तो उन्हीं के खिलाफ तो बोल लेंगे। अगर गन्ने का इशू होगा, गन्ने के भुगतान का इशू होगा, आलू का आएगा, बाजरे का आएगा, बिजली महंगी है, तो उन्हीं के खिलाफ तो कहेंगे वे हमारा समाधान कर दो, नहीं कहने के। इससे चुनाव का क्या संबंध है? तो बीजेपी बोलेगी कि तीनों के जो कानून थे वो तो हमने वापस ले लिए, पर टिकैत साहब है कि मानते नहीं। आवाज नहीं आ रही आपकी। बीजेपी बोलेगी तीनों कानूनों की वापसी तो कर दी, लेकिन टिकैत साहब है कि मानते नहीं। आवाज आ रही है? अब आ रही है टिकैत साहब? अरे दूसरे फोन लगा दो भाई। हाँ जी, हाँ मैं ये कह रही थी कि अगर बीजेपी तो यही कहेगी ना कि हमने तो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जो संसद में पास कराया था, फिर भी टिकैत साहब हैं कि मानते नहीं। एमएसपी पे गारंटी कौन देगा? फसलों की खरीद उत्तर प्रदेश में कम हो रही है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बिजली के रेट सबसे ज्यादा हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी वो भी बता दो। अच्छा, देश भर में जो किसान आपको इस वक्त सुन रहे होंगे उनको क्या संदेश दे रहे हैं आप? तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद जितने किसान अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं, क्या संदेश है आपको? हम उनको कह रहे हैं कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने तो पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। एमएसपी पे खरीद हो, पूरे देश के किसानों को फायदा होगा, और पूरा देश का किसान सुन रहा है कि एमएसपी गारंटी कानून पे पूरा देश का किसान साथ में है। अपने आंदोलन को मजबूत रखो, जिस स्टेट में है वहां पे मजबूती के साथ में आप खड़े रहो। ये दिल्ली में आंदोलन लड़ाई जारी है, अभी 3 कृषि कानून वापसी हुए हैं, अभी एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बना, बहुत मसले हो रहे हैं, उस पर एक कमेटी बने और भारत सरकार नियंत्रण उन कमेटी के साथ में, किसानों के साथ में बातचीत करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश टिकैत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कृषि कानूनों पर इस वक्त क्या सोच रहा है भारतीय किसान यूनियन और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा, ये सब जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए।
अब आइए आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और अभिमन्यु कोहर नेता संयुक्त किसान मोर्चा के। एक छोटे से ब्रेक के बाद भारतीय जनता पार्टी के इस पर प्रतिक्रिया देंगे। गौरव जी, बातचीत के लिए सरकार क्यों नहीं बुला रही उन्हें, कह रहे हैं बातचीत करे सरकार। अंजना जी, मैंने बड़े ध्यान से सुना, देश के प्रधानमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय दे के दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी किसानों का कितना सम्मान करती है। और मुझे लगता है आपने पूछा भी, कानून वापसी हुई है, घर वापसी क्यों नहीं हो रही? तो कानून वापसी भी सुनिश्चित प्रधानमंत्री जी करेंगे और घर वापसी भी किसानों की, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता है तो प्रधानमंत्री जी को। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा और ये अर्ज किया है, जब तलक बात कोई करता है तो वो कभी नहीं करनी चाहिए। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। आपने कहा बातचीत, बातचीत करके संवाद करके हम जरूर रास्ता निकालेंगे, लेकिन जब कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी की भाषा शहद जैसी है ना, नियत गंगा जल की तरह पवित्र है ना, बचना तो उन मधुमक्खियों से जो आसपास घूम रही हैं, तो डंक मार सकती हैं, और हम सब जानते हैं वो कौन सी मधुमक्खियां हैं राजनीतिक। खासकर जब मैं राहुल गांधी को सुनता हूं, राहुल गांधी जी कहीं दिखाई नहीं दिए थे, वो किसानों के कंधों पे अपनी राजनीतिक बंदूक रखे थे, वो ये जानते हैं, वो दगा कारतूस है फिर भी। और उसके बाद देखिए दुख क्या होता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो कहते हैं मैं समर्थन करता रहूंगा। हर समस्या का हल नहीं देंगे, समस्या को बढ़ाने का काम वो करते हैं। मैं एक बात जानता हूं, सकारात्मक रूप में एक शुरुआत हुई है, बातचीत होगी, पहले 11 दौर हुई थी, आगे भी होगी, और जो भी मांगे उसके लिए कमेटी का गठन हो गया अंजना जी, वो कमेटी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हल जरूर निकालेगी, ये हमारा विश्वास है, यही हमारी सकारात्मक सोच है। अभय जी, पॉलिटिकल फायदा उठा रहे हैं आप ऐसे वक्त पर भी। देखिए उसके आगे ये भूल गए, जला है जिस्म वहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो क्यों राख जुस्त जू क्या है। राहुल गांधी जी ने तो पहले ही चेता दिया था आपको, आपने कहा शांति और संवेदनशीलता से प्रधानमंत्री जी ने समझाने की कोशिश की, प्रधानमंत्री जी ने समझाया बर्बर लाठी चार्ज से, उन्हें आतंकी ठहराकर, उनकी राह में कील और कांटे बिछाकर, इससे भी पेट नहीं भरा तो लखीमपुर खीरी में आपने गाड़ियों से रोन दिया। जानते हैं क्या बुनियादी अंतर है राहुल गांधी जी की कांग्रेस में और आप में? हम लोग कृषि की क्रांति में विश्वास रखते हैं, आप अत्याचार और अशांति में। हम अनाज के लिए हरित क्रांति लेकर आए 67 में, हम दूध के लिए श्वेत क्रांति लेकर आए 70 में, हम तिलहन के लिए पीली क्रांति लेकर आए, टमाटर के लिए लाल क्रांति लेकर आए, आलू के लिए गोल क्रांति लेकर आए, फसल के लिए सुनहरी क्रांति लेकर आए, स्वामीनाथन की क्रांति लेकर आए और लोन माफी की क्रांति लेकर आए। आपने क्या किया? आपका भी NSO की रिपोर्ट ने बताई कि 2,10,00,000 किसानों को सिर्फ समर्थन मूल्य पर आपने अनाज खरीदने की अनुमति दी, 14,65,00,000 किसानों में से। आपने ये बताया कि 27 रुपए प्रति दिन किसानों की आमदनी आपने कर दी, जबकि बरेली की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था कि आमदनी 5 साल में 2 गुनी कर दूंगा, 74,000 रुपए का कर्ज है, ये NSO की रिपोर्ट बता रही है। धान सिर्फ 14.5% खरीदा और बाजार से भी कम कीमत में किसानों ने 37% भेजा, ज्वार सिर्फ 3.5%, मक्का सिर्फ 4%, रागी सिर्फ 0%, कमोडिटी की परचेस नहीं हुई, आपकी खुद की नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट में बताया। गौरव भाटिया जी, किस मुंह से आप बात करते हैं कृषि के उद्धार की, मुझे बताइए। आते ही प्रधानमंत्री जी ने किसानों का 150 रुपए का बोनस बंद कर दिया, उसके बाद जमीन हड़पने के एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए प्रधानमंत्री जी, 50% में समर्थन मूल्य का ऊपर नहीं दूंगा सुप्रीम कोर्ट में दे दिया, फसल बीमा योजना अभी जिसका महिमा मंडन प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, एक बार जवाब दीजिए ना क्यों आपके गुजरात में उसको प्रांत ने मना कर दिया, लागत आपने 25,000 रुपए हेक्टेयर बढ़ा दी, आरोप मैं नहीं लगा, गांधी जी के पास आपके सांसद, आपके सांसद कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में फसलें नहीं खरीदी गई और किसानों ने उनमें आग लगा दी, खाद की लाइन में अशोकनगर से लेकर ललितपुर तक किसान लगकर अपने प्राणों को त्यागने के लिए मजबूर है। गौरव भाटिया जी, कौन से किसान उत्थान की बात की आप? मोदीनाथन कमेटी की सिफारिश कम से कम मानिए, जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2011 में और उन्होंने कहा था कि समर्थन मूल्य का कानून, आज कानून की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपने
निर्ममता और बर्बरता पूर्वक समर्थन मूल्य को समाप्त कर दिया। मेरे पास डेटा है कि कांग्रेस ने कितना बढ़ाया और आपने क्या किया समर्थन मूल्य पर। ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं, अब जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं गौरव जी, इसके बाद मैं आ रही हूँ अन्य मेहमानों के पास। देखिए, इन्होंने कांग्रेस के लिए दूसरी लाइन बोली, ये तो अच्छा लगा, जला है दिल जिस भी जल गया होगा, लेकिन रूह जो है, आर से राहुल आर से रूह, आपने क्या किया आपको मालूम है? कांग्रेस की भ्रष्टाचारी रूह, सांप्रदायिक रूह तो अभी भी घूम रही है। आप बताइए, बुनियादी अंतर आप बता रहे थे, हमने इस वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन किसानों ने किया, हमने रिकॉर्ड खरीद और रिकॉर्ड भुगतान किया, लेकिन 2006 से 14 तक 8 साल थे आपके पास, आपने स्वामीनाथन जी की एमएसपी को 1.5 गुना कर देने की सिफारिश तो नहीं मानी। स्वामीनाथन जी ने तो मोदी जी की तारीफ करी, मोगा में और हनुमानगढ़ में जो लाठी बरसाई है आपने किसानों पे, पंजाब और राजस्थान में, वो किसने बरसाई, उसका क्या करेंगे आप? और दोहरे मापदंड देखिए, मैं आपको दो उदाहरण जल्दी जल्दी दे देता हूं। पहला, आप याद करिए, लखीमपुर में चरणजीत चन्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री आते 1 करोड़ का चेक देते हैं, मैं कहता हूं वो ओछी राजनीति नहीं थी क्या? आप जो पंजाब के किसान हैं, जिनकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, उनको आप देंगे 1 करोड़ की राशि? और दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि आज प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा प्रधानमंत्री जी मंच साझा कर रहे हैं ऐसे मंत्री के साथ जिनके बेटे के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ भी मुकदमा चल रहा है, प्रियंका वाड्रा गांधी कभी मंच को नहीं साझा करेंगी? बीच में मत बोलिए, पूरा कर ले, एक सेकंड अभय जी, पूरा कर ले, बीच में नहीं बोला था मैं, इसके बाद भाटी जी मैं फौरन आ रही हूँ सर। हाँ, दूसरा, अंजना जी, अगर प्रियंका वाड्रा गांधी चतुर्मुर्ग की तरह ना हो जाए तो वो बताए भूपेश बघेल के पिताजी के खिलाफ भी एक मुकदमा चल रहा है, तो भूपेश बघेल को तो हटाना चाहिए फिर, तो सोनिया गांधी का नंबर गया, राहुल गांधी का गया, और भूपेश बघेल भी हटाए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर कोई परिवार का सदस्य उसके खिलाफ मुकदमा है तो उसका पिता या उसका पुत्र गुनहगार है, तो फिर ठीक है, ये तय हो गया आज से। इस कार्यक्रम के जाने के बाद आप तुरंत उन तीनों को हटवाइए। और अंत कर रहा हूं एक बात पे, एमएसपी लागू करना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करना हो, चाहे सॉइल कार्ड देने की बात हो जो 23 करोड़ दिए, चाहे वो हमने बाकी जो कदम उठाए हैं, ये सब दर्शाता है कि किसानों की चिंता अगर किसी को है तो वो नरेंद्र मोदी जी को है। अपने बंगले में एसी चला के बैठना और उसके बाद राजनीति करना, ये केवल गांधी परिवार का शौक है और इस शौक को जनता खत्म करेगी। ठीक है अभय जी, छोटा सा जवाब, क्योंकि आपके आपके नेताओं पर बोला इसलिए 2 लाइन का प्लीज। देखिए, घुटने टेके हैं राहुल गांधी जी का और सोनिया गांधी जी का आंदोलन 2014 में, जब जमीन हड़पने का लेकर आए थे ना आप, आपके सीएसीपी की रिपोर्ट पढ़िए गौरव भाटिया जी, वो कह रही है कि समर्थन मूल्य का जो फॉर्मूला है वो इतना छोटे रकबे में उसका कैलकुलेशन होता है कि वो सही नहीं आता, उसने एक और गंभीर आरोप लगाया कि दाल खरीद कर ऐसे समय बाजार में उतारते हैं राजकुमार भाटी जी, जिसकी आप इज्जत कर रहे हैं। अब रुक जाइए, थोड़ा थमिए राजकुमार भाटी जी, क्या विपक्ष निहत्था हो गया? कृषि कानूनों पर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी कर दी है। आज आपके डिबेट में शेरोशाह की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, भर जाता है गहरा घाव जो बना हो बोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। इन 10 महीने के अंदर जो किसानों को अपमानित किया गया, गालियां दी गई है, मोदी जी आपने कृषि कानून तो वापिस कर दिए, क्या वो गालियां भी वापिस कर देंगे? क्या वो जो चरित्रहनन किया गया, किसानों को आतंकवादी बताया गया, आरोप लगाए गए, क्या वो भी वापस कर देंगे? जो 700 किसानों की जान गई, क्या वो भी वापस कर देंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस गलतफहमी में हैं कि आप मोदी जी को विशाल हृदय और संवेदनशील किसान हितैषी बता के उनका महिमामंडन करेंगे, वो संवेदनशील व्यक्ति होता है जो 7 महीने तक किसान भूखे प्यासे सड़क पर बैठे रहे, खुली धूप में, सर्दी में, बारिश में, और 700 किसानों की मौत होगी, और मोदी जी एक शब्द नहीं बोले, देश का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोला, अभी भी नहीं बोले, कृषि कानून तो वापस कर लिए, उन 700 लोगों की मौत पे एक शब्द नहीं बोले। ये पूरा देश देख रहा है कि ये संवेदनहीन प्रधानमंत्री है, ये संवेदनहीन सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। अगर ये इस गलतफहमी में हो कि इससे जनता गुमराह हो जाएगी,
जनता गुमराह होने वाली नहीं है, अभी तो मुद्दे बहुत हैं। और जो आप कह रहे हैं कि हम हतारा, हमारा हथियार छिन गया, हम मुद्दा विहीन हो गए, हमारे पास तो बहुत मुद्दे हैं, हम तो जनता के कल्याण के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज है, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, नफरत बो रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, जातिवाद और धार्मिकता, धर्म सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, हम तो इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाने वाले नहीं है। ठीक है, जल्दी से गौरव भाटिया जी एक जवाब, इसके बाद अभिमन्यु जी फौरन आपके पास आऊंगे। वापस कर दोगे पर बड़ा जोर दिया, आजम खान जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, कई सौ किसानों की जमीन, मुद्दे पे बात करिए, मुद्दे पे सुनिए, लाइए मत, अंजना जी चुप करा लीजिए, अब इनको समझ ना आए तो मैं इनके लेवल पे थोड़ी ना उतरूंगा। रुक जाइए, आपको नहीं समझ में आ रहा, दर्शकों को आ जाएगा, आप बीच में मत बोलिए, मुद्दे पे जवाब दीजिए, अच्छा नहीं लगता प्लीज, अच्छा नहीं लगता प्लीज। देखिए, इन्होंने कहा कि वापस कर दो, आजम खान जेल की सलाखों में किस लिए है मालूम है, किसानों की जमीन हड़पने के लिए है, वापस कर दो सबसे पहले। दूसरी बात, शेख चिल्ली की बातें देखिए, कल अखिलेश यादव कह रहे थे कि भाई पूर्वांचल पे मैंने रथ यात्रा करी तो 3 कानून वापस हो गए। अब बताइए इससे बड़ी शेख चिल्ली की बात क्या होगी कि आप पूर्वांचल यात्रा कर रहे हो इसलिए कानून वापस हो जाते हैं। अरे चुनाव आने दीजिए, इस बार ना आपका ये रथ बचेगा जो एयर कंडीशन रथ में घूम रहे हैं, ना आपका वजूद बचेगा। और इतना ही कहूंगा, गायत्री प्रजापति पे कार्रवाई करिए, निकाला नहीं है आपने, जो मेडिकल का रही है। अंजना जी, राजनीति में गौरव भाटिया से ज्यादा बेशरम आदमी कोई नहीं। अरे ये ठीक नहीं है सर, किसी चैनल में पहले प्लीज 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 सर, ये गलत है, प्लीज पर्सनल अटैक मत कीजिए भाटी जी, ये गलत है। देखिए देखिए, ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्टियों में नेता जाते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम लोग तिरस्कार करें एक दूसरे का। देखिए इतनी इतनी तो हम लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए कि कल को आमने सामने मिले तो इस तरह से नजर न झुकाना पड़े। प्लीज पर्सनल अटैक मत कीजिए, पैर छूते थे, अब उस अखिलेश यादव के लिए अपशब्द बोल रहे हैं, मैंने इसलिए कहा। तो क्या भी ये कह रहा हूँ, अपनी पार्टी की लाइन रखिए सर, पार्टी की लाइन रखिए, अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, बोलिए, इनसे ज्यादा देखने वाले पार्टी की लाइन रखिए, गलत है, पर्सनल अटैक है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत नहीं। भाटी जी भाटी जी भाटी जी, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, प्लीज पर्सनल अटैक मत कीजिए, किसी के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल कीजिए, कल कोई आपके लिए करेगा वो भी गलत है। अंजना जी, मत कीजिए ये बात, मत कीजिए, वापस आइए, वापस आइए टॉपिक पर, दर्शकों का टाइम बर्बाद मत कीजिए, वापस आइए टॉपिक पर, बात करो, तर्क दो अपने, गाली क्यों देते हो, अरे तर्क अभिमन्यु जी से मुझे प्रतिक्रिया लेनी है। अभिमन्यु जी क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या मैं बार बार यही सवाल उनसे भी पूछ रही थी, बातचीत के लिए सरकार बुलाए, बातचीत के लिए सरकार बुलाए, हमने देखा बीते दिनों ये नहीं हुआ, 3 कृषि कानून की वापसी के बाद घर वापसी होगी या बातचीत की शर्त है, एमएसपी कानून की शर्त है। अभिमन्यु जी, अंजना जी, जो प्रधानमंत्री जी ने कल कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया वो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, लेकिन बड़े दुख की बात है, प्रधानमंत्री जी ने अपनी तपस्या की बात तो की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन किसानों की तपस्या के बारे में एक शब्द नहीं बोला, जिन 750 किसानों ने सड़कों पर बैठ के अपनी शहादत दे दी, जिन लाखों किसानों ने ठंड में भी सड़कों पे ही बैठे रहे, वो बारिश के दौरान भी सड़कों पे ही बैठे रहे, वो गर्मी के दौरान, लू के दौरान भी सड़कों पे बैठे रहे, यदि प्रधानमंत्री जी एक शब्द उनकी तपस्या के बारे में भी बोल देते तो बड़ा अच्छा रहता। अब दूसरी बात, जो एमएसपी गारंटी लॉ है, इसका महत्व हमें समझना होगा, और एक बात हम क्लियर कर दें, हम तमाम बैठकों में 11 दौर की बैठकों में हम शामिल रहे हैं, हमारे पहली बैठक से ये एमएसपी गारंटी कानून भी हमारा महत्वपूर्ण एजेंडा रहा है। 2001 से लेकर 2017 तक के 17 सालों के बारे में एक OECD और ICRIR की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि यदि इन 17 सालों में किसानों को वो एमएसपी दिया जाता जिस एमएसपी का वादा यूपी और एनडीए की सरकारों ने किया था, तो किसानों को 45 लाख करोड़ रुपया ज्यादा मिलना चाहिए था, 45 लाख करोड़। और आज किसानों के ऊपर जो टोटल कर्ज है, टोटल कर्ज है मात्र 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का, यदि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के कर्ज को छोड़ दिया जाए। 2011 में
जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री मोदी जी होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे तो उसके पॉइंट नंबर B4 में इन्होंने ही लिखा था कि किसानों के लिए MSP की गारंटी का कानून होना चाहिए, यदि MSP की गारंटी नहीं है तो MSP घोषित करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये भाषा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2011 में लिखी थी। और जहां तक बात रही कमेटियों की रिपोर्ट के बारे में अंजना जी, इस देश में किसानों के बारे में ढेर सारी कमेटियां ढेर सारी रिपोर्ट आई लेकिन वो रिपोर्ट आपने सर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर लिया था आपका फ्रेम, इसीलिए वो दिक्कत आ रही थी आपको दिखाने में, लेकिन एमएसपी पर किसान अभी भी अड़े हुए हैं और इसीलिए शो का नाम भी यही था, कृषि कानूनों की वापसी के आगे एमएसपी है। कानून वापसी तो हो गई लेकिन कब होगी घर वापसी, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, ब्रेक नहीं ले रहे हैं, आगे देखिए शंखनाद हमारे सहयोगी अर्पिता के साथ, देखते रहिए।